तो फ्रेंड देख सकते हो आज जो हमारी गाड़ी को लेके जाएगी WAP 7। सो फ्रेंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड, जैसे कि मैं बता दूं आज और एक ट्रेन जर्नी में आपका मैं स्वागत कर रहा हूं अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से। तो आज जो ट्रेन जर्नी मैं कर रहा हूं उस ट्रेन की अगर आपसे मैं नंबर की बात करूं तो उस ट्रेन का नंबर है 14205 अयोध्या एक्सप्रेस। ये रोजाना चलती है अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से न्यू दिल्ली के बीच में। इसका खुलने का जो यहाँ से टाइम है अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से 5:25 और ये अगले दिन सुबह 8 तक आपको पहुँचा देगी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो आज हमारी इसमें जर्नी होने वाली है, तो आप अंत तक हमारे ब्लॉग में बने रहें। मैं आपको बताने वाला हूँ ये कौन सी रूट होकर ट्रेन जाएगी, कितने देर कौन सी स्टॉपेज इसका, कौन से स्टॉपेज में कितने देर ट्रेन रुकती है, क्या है ट्रेन लेट जाती है ना राइट टाइम रहती है, सारा कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ। फ्रेंड देख सकते हैं हमारे जस्ट पीछे एक नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी है अयोध्या एक्सप्रेस, जो कि कैंट रेलवे स्टेशन से 5:25 खुलेगी। तो मैं जा रहा हूँ, मेरा जो आज रिजर्वेशन है मैं आपको बता दूँ वो सीट हमारा RAC कंफर्म हुआ है। मैं वेटिंग टिकट लिया था, वेटिंग 18 हमारी थी लेकिन वो कंफर्म हुई नहीं, RAC कंफर्म है। तो अभी जा रहा हूँ, देखता हूँ हमारे साथ कौन बंदे हैं जो सफ़र करेंगे दिल्ली तक की। तो अभी जा रहा हूँ अपने सीट पे, A8 में 55 RAC मिला है। तो अभी जा रहा हूँ, जाके फिर आपको मैं दिखाता हूँ अंदर की भी ट्रेन की, अंदर की भी ट्रेन की आपको इंटीरियर दिखाऊँगा, कितना सफ़ा है क्या है सारा कुछ आपको दिखाऊँगा। तो आप अंत तक बने रहें इस ब्लॉग में, की फॉर वॉचिंग। ये फ्रेंड मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए अयोध्या की करेंट टेम्परेचर, आप देखिए 16 डिग्री टेम्परेचर है। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूँ काफ़ी ठंडी है यहाँ पे। आप आते हो तो आपकी ऊनी कपड़े वगैरह लेके आए। और सबसे अच्छी चीज़ मैं दिखा दूँ, ये आप देखिए फ्रेंड, ये जो सनसेट हो रही है, ये सनसेट आप इंजॉय करें। और इस और अगर आपको मैं दिखाता हूँ तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड, आपको स्टेशन पे भी देखिए कितनी बढ़िया ये पेंटिंग की गई है, स्टेशन पे भी आपको इसी तरह की पेंटिंग आपको नज़र आने वाली है। तो फ्रेंड देख सकते हो आज जो हमारी गाड़ी को लेके जाएगी WAP 7, आपको मैं दिखा दूं गाजियाबाद लोको सेड की, आप देख सकते हो यही आज हमारी गाड़ी को लेके जाएगी। और देख सकते हो फ्रेंड कुछ इस तरह की अयोध्या कैंट स्टेशन और हमारी एक्सप्रेस यहाँ अयोध्या एक्सप्रेस, कुछ इस तरह की रेलवे स्टेशन है अयोध्या की। और देख सकते हो इस ओर भी, और इधर अगर आपको मैं दिखा दूँ फ्रेंड तो देखिए सारे स्टेशन में आपको काम चलते हुए दिख रही होगी। इस ओर देखिए घिसाई हो रही है मार्बल की, अगर आपको मैं दिखा दूँ देखिए उस ओर हमारी देश की राष्ट्रीय ध्वज अपने शान से लहराती हुई। तो अभी दिखा दूँ आपको साफ सफाई इस अयोध्या एक्सप्रेस की। पानी बोतल है। तो अब सफाई आपको ठीक दिखेगी। तो फ्रेंड आपको मैं बता दूं अभी 5:30 हो चुकी है और हमारी अभी अयोध्या एक्सप्रेस जिसका नंबर है 14205 अभी भी एक नंबर प्लेटफॉर्म से नहीं खुली है। आप देख सकते हो इस ओर अगर आपको दिखाऊं तो गाड़ी अभी भी देखिए खड़ी है। तो फ्रेंड 5 तो अभी डिले हो चुकी है और देखिए अयोध्या कैंट से कितने बजे खुलती है ट्रेन हमारी, शायद लग रही है आज लेट खुलेगी। तो जितने बजे खुलती है आपको मैं फ्रेंड दिखाऊँगा, ट्रेन कितने देर से खुलती है बताऊँगा। काफ़ी असुविधा होती है आप टाइम पे ट्रेन को खोलें, रेलवे वाले से अनुरोध कर रहा हूँ टाइम से आप ट्रेन को चलाएं। आप यहाँ से लेट करोगे तो दिल्ली लेट पहुँचेगी ट्रेन, तो इस वजह से आप अगर यहाँ से टाइमली खोलोगे तो दिल्ली टाइम से पहुँचेगी, वहाँ पहुँच के किसी को अलग ट्रेन पकड़नी होगी या
अलग कहीं जानी होगी या ऑफिस काम होगा, कुछ भी होगा या मेडिकल होगा, तो आप टाइम से कृपया ट्रेन को चलाएं। और देख सकते हो काफ़ी पैसेंजर अभी स्टेशन पर ही खड़े हैं, काफ़ी असुविधा हो रही है। तो फ्रेंड आप देख सकते हो फाइनली अभी हमारी ट्रेन 1 घंटे 40 मिनट की देरी से अयोध्या कैंट से खुल चुकी है। आप देख सकते हो कुछ इस तरह की है अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन, और 1 नंबर प्लेटफॉर्म से हमारी अभी गाड़ी जस्ट खुली है। और कितने बजे ऑलमोस्ट पहुंचाती है ये न्यू दिल्ली आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो कुछ इस तरह की स्टेशन है, आपको यहाँ पे खाने पीने के कुछ चिप्स कुरकुरे वगैरह मिल जाएंगे। तो फ्रेंड आप फाइनली देख सकते हो अभी हमारी अयोध्या एक्सप्रेस पहुँच चुकी है 12 बंकी जंक्शन। और आपको मैं बता दूँ 12 बंकी जंक्शन जो हमारी ट्रेन आई है वो आई है लगभग 3 घंटे 45 मिनट डिले के साथ में। और फ्रेंड एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, 12 बंकी जंक्शन जो है ये नॉर्थ में लखनऊ डिवीज़न के अंदर आता है और ये प्रमुख रेलवे स्टेशन है दिल्ली रूट की। और आपको बता दूँ काफ़ी ठंड इस ओर है, अब इतनी ठंड है जो आप देख सकते हो। और फ्रेंड एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, ये 12 बंकी जो स्टेशन है ये नॉर्थ जोन के लखनऊ डिवीज़न में आती है और यहाँ से ऑलमोस्ट लखनऊ की जो दूरी है वो तकरीबन आपको 65-70 किलोमीटर की आसपास और बचती है। और ये प्रमुख स्टेशन है दिल्ली मार्ग की। तो फिलहाल देख सकते हो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे अभी आ चुकी है हमारी अयोध्या एक्सप्रेस। तो यहाँ से हमारी गाड़ी खुलती है, उसके बाद हमारी गाड़ी लखनऊ पहुँचेगी और लखनऊ में मैं अपना खाना भी ऑर्डर किया हूँ, अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो मैं ऑर्डर किया हूँ। और एक चीज़ बता दूँ, काफ़ी ट्रेन लेट हो चुकी है, अभी तक 3 घंटे 45 मिनट ट्रेन डिले हो चुकी है। हमारी आती है लखनऊ, फिर लखनऊ में आपसे नेक्स्ट स्टॉपेज के साथ मिलता हूँ। और फ्रेंड एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, 12 बंकी रेलवे स्टेशन में टोटल 4 प्लेटफॉर्म की ये रेलवे स्टेशन है। और हमारी जो गाड़ी आई है वो आप देख सकते हो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई है और कुछ इस तरह का है 1 नंबर प्लेटफॉर्म। तो फिलहाल फ्रेंड आप देख सकते हो 12 बंकी के 1 नंबर प्लेटफॉर्म से हमारी गाड़ी की डिपार्चर हो चुकी है। कुछ इस तरह का आपको 12 बंकी रेलवे स्टेशन दिखेगा। तो लो जी फाइनली आप देख सकते हो हमारी अयोध्या एक्सप्रेस अभी 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। और फ्रेंड आपको मैं बता दूं, लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन में 7 प्लेटफॉर्म की टोटल स्टेशन है। फ्रेंड आपको मैं बता दूं, हमारी जो गाड़ी है यहाँ पे आई है 4 घंटे 2 मिनट डिले के साथ में चारबाग जंक्शन लखनऊ। और फ्रेंड आपको बता दूं, हमारी जो यहाँ पे अभी फूड ऑर्डर किया था तो अभी तक भैया आए नहीं हैं, कितने बजे आते हैं हमारी खाना लेके पता नहीं, वो तो बोल रहे थे आ जाएंगे लेकिन अभी तक पहुँचे नहीं हैं। वो आते हैं तो फिर आपको मैं दिखाता हूँ कितने बजे तक वो आ रहे हैं। अभी तक हमारी 4 घंटे गाड़ी डिले है और अभी भी देखिए गाड़ी लखनऊ चारबाग में खड़ी है और यहाँ से कितने बजे खुलती है उसका कोई ठीक है नहीं। यहाँ से गाड़ी खुलती है, उसके बाद आपको डिपार्चर दिखाता हूँ और हमारा जो खाना मैं ऑर्डर किया था वो बर्थ में भैया दे दिए हैं। यहाँ आपको डिपार्चर दिखाने के बाद मैं अपना खाना खाता हूँ और यहाँ से देखिए कितने बजे दिल्ली पहुँचेगी गाड़ी, कोई ठीक नहीं लग रही है, कब खुलेगी कोई भरोसा नहीं है खुलने की, क्योंकि गाड़ी आके जो खड़ी हुई है जस्ट खड़ी ही हो गई है। और देखिए यहाँ से जब स्टार्टर मिलती है तो गाड़ी हमारी खुलेगी और ऑलमोस्ट कितने बजे दिल्ली पहुँचाएगी हमारी गाड़ी, तो अपन तक हमारे ब्लॉग में बने रहे, आपको सारा कुछ बताऊंगा दिल्ली कितने बजे तक पहुँचती है हमारी गाड़ी। तो फ्रेंड फाइनली बता दूं आपको,
चार घंटे दस मिनट डिले के साथ हमारी लखनऊ चारबाग से अभी अयोध्या एक्सप्रेस खुल चुकी है। तो 6 नंबर प्लेटफॉर्म को स्किप करते हुए आप देख सकते हो हमारी एक्सप्रेस को। अब जो नेक्स्ट स्टॉपेज आती है फ्रेंड, वहाँ आपसे मिलता हूँ। देख सकते हो कुछ इस तरह की है लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन, और यहाँ से हमारी ट्रेन 4 घंटे 10 मिनट यहाँ तक डिले हो चुकी है। तो ये फ्रेंड मैंने ऑर्डर किया था ये मटर पनीर की सब्जी, ये हो गई अंडा भुजिया, ये सलाद और ये चपाती। इसे फिनिश करता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो अभी आप स्पीड देख सकते हो इस गाड़ी की 93, 94, 95 उसी तरह चलती होगा। The next morning. तो फाइनली फ्रेंड आप देख सकते हो 7 घंटे की देरी से अयोध्या एक्सप्रेस मुरादाबाद पहुंच चुकी है। और मुरादाबाद से अभी हमारी गाड़ी खुल चुकी है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का मुरादाबाद जंक्शन है, उस चक्कर में मैं नीचे नहीं उतरा। आप देख सकते हो कितनी ऊंचाई पे ट्रेन है और देखिए कितने नीचे स्टेशन है। चलिए आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट जंक्शन पे। तो भैया सुबह के 9 बज रही है और हमारी गाड़ी हापुड़ जंक्शन पहुंच चुकी है। और आपको बता दूं हापुड़ जंक्शन हमारी गाड़ी आई है 6.5 घंटे लेट, और यहाँ ठंड का प्रकोप आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा ठंडी है। इस ओर काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। और हापुड़ जंक्शन बता दूं आपको, यहाँ पर टोटल प्लेटफॉर्म की संख्या है 5, और हमारी अभी जो गाड़ी आई है वो आई है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर। और यहाँ से हमारी गाड़ी खुलती है तो आपको डिपार्चर भी दिखाता हूँ। और देख सकते हो मैं एक टोपी लगाया हूँ, टोपी के बाद भी जैकेट का टोपी लगा लिया, इतना ज़्यादा ठंडी लग रही है इस तरफ में। तो से हमारी गाड़ी की अभी हो गई डिपार्चर, और देख सकते हो फ्रेंड कुछ इस तरह की है। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉपेज जो आएगी वो है गाजियाबाद, तो आपसे मिलता हूँ गाजियाबाद में। उसके बाद तो फ्रेंड आप फाइनली देख सकते हो 6 घंटे 40 मिनट डिले के साथ हमारी गाड़ी गाजियाबाद जंक्शन पहुंच चुकी है। और गाजियाबाद से जो हमारी गाड़ी खुलेगी तो इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टॉपेज पुरानी दिल्ली होने वाली है। तो वहां पहुंचता हूं तो फिर आपको दिखाता हूं। और कुछ इस तरह का है गाजियाबाद रेलवे स्टेशन, आप देख सकते हो। और गाजियाबाद रेलवे स्टेशन में जो हमारी गाड़ी आई है वो आई है 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ से हमारी गाड़ी खुलती है तो आपको डिपार्चर भी मैं दिखाने वाला हूँ यहाँ से। चलिए फ्रेंड अभी आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट स्टॉपेज हमारी ओल्ड दिल्ली में। और अभी फ़िलहाल हमारी गाड़ी गाजियाबाद के 4 नंबर प्लेटफॉर्म से खुल चुकी है। और अभी तक तो गाड़ी लेट है, देखिए दिल्ली कितने बजे तक पहुंचाती है अपने को। और दिल्ली पहुंचने के बाद
देखता हूँ कब तक पहुँचाती है ये दिल्ली। और कुछ इस तरह का गाजियाबाद का रेलवे स्टेशन है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म, और 4 नंबर प्लेटफॉर्म को स्किप करते हुए हमारी अयोध्या एक्सप्रेस। तो अभी फ्रेंड आपको दिखा दूँ इस कोर्ट का इंटीरियर। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी सी मिरर, और ईशोर एक चार्जर है, ईशोर एक चार्जर है। इस तरफ में हो गई 6 सीट के लिए दिया गया है 2 चार्जर, और हमारी सीट रही ये साइड लोअर 55। तो फ्रेंड अभी आपको मैं अयोध्या एक्सप्रेस की कोच कंपोजिशन की अगर ऑप्शन में बात करूं तो इसमें जनरल की लगी हुई है 5 कोच, 3 कोच लगी हुई है आगे और 2 कोच लगी हुई है पीछे, और स्लीपर की लगी हुई है 9 कोच और 2 कोच है थर्ड एसी की, और एक फर्स्ट एसी, एक सेकेंड एसी। और इस अयोध्या एक्सप्रेस की अगर आपसे मैं ट्रेन फेयर की बात करूँ, अगर आप एंड टू एंड जर्नी करते हो अयोध्या कैंट से ओल्ड न्यू दिल्ली तक की, तो आपको मैं ट्रेन फेयर बता देता हूँ। आप अगर स्लीपर में जर्नी करते हो तो आपको देनी होगी 350 रुपये, थर्ड एसी में अगर आप जर्नी करते हो तो 950 रुपये, और सेकेंड एसी में अगर आप जर्नी करते हो तो 1355 रुपये। अगर आप फर्स्ट एसी में जर्नी करते हो तो रेलवे वाले आपसे चार्ज करेंगे 2255 रुपये। तो फ्रेंड फाइनली आप देख सकते हो हमारी अयोध्या एक्सप्रेस 11 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई है, ओल्ड दिल्ली प्लेटफॉर्म पे। और फ्रेंड मैं आपको बता दूं हमारी गाड़ी जो यहाँ तक आने में लगभग 6 घंटे 50 मिनट डिले से पहुँची है दिल्ली। तो देख सकते हो इतनी लेट हो चुकी गाड़ी, आप सोच सकते हो वहीं से लेट खुली। उसके बाद रास्ते में मैंने सोचा जो मेकअप करेगी रात में, लेकिन मेकअप क्या करेगी और गाड़ी लेट पे लेट होती चली गई। तो फिलहाल मैं उतर गया हूँ दिल्ली स्टेशन, और यहाँ देखता हूँ डोमेट्री में कुछ रूम वगैरह लेता हूँ या बेड। उसके बाद यहाँ आपको देखता हूँ कुछ अगर होता है तो साइट सीन मैं दिखाने का कोशिश करूँगा। और फ्रेंड आपको मैं बता दूँ अगर आपको ये अयोध्या कैंट से दिल्ली तक की सफ़र अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक करें, और हमारे चैनल पे पहली बार आप अगर आए हो तो सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बहुत जल्द आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट जर्नी के साथ। जय हिंद, जय भारत।